बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज शहर में एक अफसोसनाक वाकया रोनुमा होता है। मोहम्मद सलीम, जिसके 5 बच्चे थे और 5 बच्चों को वो वाहिद कफील था, कुत्ते के काटने से वो इंतकाल कर गया है और उसको एक हफ्ते से मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में लेके जाया जाता रहा, लेकिन उसको वैक्सीन मैसर नहीं आ सकी, उसको दवाई मैसर नहीं आ सकी, उसको इलाज मैसर नहीं आ सका और फिर बिलाखिर वो जाबा हुआ। मैं पूछता हूँ कि ये कहाँ है इस वक्त सिटी गवर्नमेंट, ये कहाँ है सिंध गवर्नमेंट? शहर में वाक़ियात हो रहे हैं, पूरे सिंध में वाक़ियात हो रहे हैं। एक महीने में 20 अफराद जो है वो कुत्ते के काटने से मारे गए, हज़ारों लोग मुतासर हैं, हज़ारों लोग जो है वो हॉस्पिटल्स लाए जाते हैं, रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में लाए जाते हैं हॉस्पिटल्स। ये अजीब अलमिया है कि यहाँ कुत्ते इनसे कंट्रोल नहीं आ रहे। हैरत होती है कि पाकिस्तान ने एटमी बम बना लिया लेकिन कुत्ते के वैक्सीन नहीं बना सका। फवाद चौधरी साहब की सुने, वो कहते हैं चांद पे जाने की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन खुदारा पहले इस वैक्सीन को तो बना ले। सिंध गवर्नमेंट की और मेयर कराची की ये बराह रास्त ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इसका इलाज ढूँढें और कुत्तों का खात्मा करें। मैं कहता हूं कि अगर आपसे एक काम नहीं हो रहा तो वह चीन और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहां वो कुत्तों का इस्तेमाल होता है, वो अपने खाने में कुत्ते इस्तेमाल करते हैं, तो खुदारा उनको इतला करें, उनको बुलाएं, तो शायद वो इस काम को कर जाएं। जिस तरह आपसे सफाई नहीं हो रही, आपसे कचरा नहीं उठ रहा, आपसे गंदगी नहीं उठ रही है, आपसे यहाँ के सीवेज का सिस्टम नहीं संभाला जा रहा, आपसे यहाँ पानी का मसला हल नहीं हो पा रहा, आपसे शहर नहीं संभाला जा रहा, तो इन कुत्तों से तो किस तरह छुटकारा दिलवाएं। खुदारा कोई अगर सोचे कुछ करें।